हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज मैं आपको एक इतना गुणकारी पौधा बताऊंगी कि आप उसके गुणों को सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसका नाम है बासा, काला बासा। ये कई तरह का आता है, सफ़ेद भी होता है, इस पर पीले कलर के फूल आते हैं। इसकी पहचान मैं बताती हूँ, इसकी पत्तियों के बीच में ये रेड कलर की लाइन होती है, उसके कांटे होते हैं। ये पौधा बहुत ही अधिक गुणकारी है। कितनी भी पुरानी खांसी या बलगम हो, इसकी दो पत्तियां तोड़ करके सुबह खाली पीट ले लीजिएगा, सारी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देता है। और आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग बताए गए हैं। अब जैसा कि आजकल ये कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो इसके में भी हम इसकी पत्तियों को काढ़े के साथ इसको लेकर करके इसका काला बासा, महारानी तुलसा जी, अश्वगंधा, करी पत्ता और कई सारे के पौधे हैं, गिलोय वगैरह, इन सब का हम काढ़ा बना के पिए तो बहुत ही असरदारक है। सर्दी खांसी में भी आराम देता है। और किसी भी तरह का अगर हमारे शरीर में कोई जहर बन रहा है, उसको बनाने से पहले ही रुक जाता है। इसकी पत्तियां इतनी कारगर हैं, ये गुणों की खान है। और ये पत्ता पौधा आराम से ही आपको कहीं भी मिल जाता है। मैंने तो इसको नर्सरी से लेकर के आई थी, जब इसकी मैंने गुणों के बारे में सुना। और वाकई खांसी में बहुत ज़्यादा असर कारक है। अगर हम इसके पत्तों को तोड़ करके वो भून करके शहद में मिला करके खाएं, तो पुरानी से पुरानी खांसी भी जड़ से चली जाती है। मैंने इसकी ये कलम से भी उग जाता है। मैंने इसकी देखिए कलम लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो इसको आप कहीं से भी ला सकते हैं आराम से, और छोटे से पोट में ही अपनी गमले में लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम में ज़्यादा दवाइयों का सेवन भी हानिकारक है, और आयुर्वेदिक के साथ हमें रहना ही होगा। इस टाइम सब घर पर हैं, छोटी मोटी खांसी नज़ला जुकाम के लिए भी हम बाहर नहीं जाना चाहेंगे। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी कि ये पौधा बहुत ही कारगर है। इसको मैंने जैसा कि बताया, इसमें कांटे भी होते हैं, तो इसलिए सावधानी से ही इसको तोड़ें, इसके पत्तों को। वैसे आपको ये सड़क के किनारे भी कहीं आराम से मिल जाएगा। ये इसकी पहचान है, इसकी पत्तियां लंबी होती हैं आम के पत्तियों की तरह ही, और इसमें डार्क रेड कलर की लाइनिंग होती है। ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क का प्रयोग किए। बस इसी के साथ फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार, राधे राधे।